that life was an impromptu thing. If it ever happens again, it will happen. I was like, wow, I really want to be a part of this. And yeah, so it just ticked all the boxes. बहुत अच्छा लगता है. I think it keeps you going as an actor also. Somewhere this validation, this love really matters to you. Hello, Kritika. Hi, well, how are you? Hello. I'm doing thank you amazing. So much. How are you? I'm good. Thank you. Well, Tandav, I mean, on such a large scale, many congratulations for that, firstly. एंड आपको जब ये ऑफर आया, आपने जब ये पूरा प्लॉट सुना, कहानी सुनी, किस तरह का रिएक्शन था आपका? जब मैंने पहली बार तो मैंने जो ऑडिशन स्क्रिप्ट थी वो पढ़ी. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग बे, दैट इज एन इट्स अ कास्टिंग एजेंसी. एंड आई रेड दोज टू सीन्स दैट आई हैड गॉट एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड. आई वाज लाइक ये कौन है, मैं जानना चाहती हूँ अबाउट दिस कैरेक्टर, अबाउट दिस वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. And then, of course, then I had, you know, another round of auditions. Then I had a meeting with Ali and I got the whole script also. I met with Himanshu. He told me about the show. And then I read the whole thing. And the script written by Gaurav Solanki really, like, really impressed me. I was like, wow, I really want to be a part of this. And yeah, so it just ticked all the boxes and it got me very excited. And I'm so happy that I've got to be a part of a show like this. Yes, और जिस तरह हमने देखा है आपका जो किरदार है वो लुक तो ऑफ कोर्स अलग है ही. टेल अस मोर अबाउट सना मीर इज अ स्टूडेंट इन दिल्ली. शी इज बेसिकली फ्रॉम कश्मीर बट शी इज स्टडिंग इन दिल्ली. शी इज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. शी इज वेरी अवेयर ऑफ हर सराउंडिंग्स. शी इज पॉलिटिकली एक्टिव इन द यूनिवर्सिटी. वो यू नो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती है. उसमें वो जज्बा है, वो जोश है. दैट्स हाउ यू फाइंड हर इनिशियली एंड देन स्लोली यू फाइंड मोर थिंग्स अबाउट हर एंड मोर लेयर्स टू दिस कैरेक्टर एंड सम सीक्रेट्स ऑफ हर्स एंड सम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हर्स. सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. आपने पर्सनली प्रिपरेशन किस तरह की थी इस किरदार को निभाने के लिए? किरदार है ना वो मेरे रियल लाइफ से बहुत ही दूर है. तो इट्स नॉट अ रिलेटेबल कैरेक्टर. ऑफ कोर्स कुछ ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और उनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं. पर मैं इस कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज कर पाई जब मैंने पढ़ा. और मैं बस उसी एम्पथी को लेकर आई वेंट ऑन सेट एंड विद लाइक आई टोल्ड यू इट्स सो ब्रिलियंटली रिटन एंड अली इज सो क्लियर अबाउट हाउ ही सीज हिज यू नो हिज कैरेक्टर्स दैट It's a team effort sort of a thing to make a character. और फिर वो आप कितना बना कितना नहीं बना वो तो आप देख के ही बता पाएंगे. Also, if we talk about the star cast, it's huge and I mean brilliantly casted. So सबसे पहले तो सैफ के साथ काम करने का experience बताइए. बहुत ही अच्छा था. He is very chill. He is very funny. He can talk about anything under the sun. वो बहुत ही intelligent हैं, well read हैं, काफी gracious host भी हैं. तो इट वॉज वेरी नाइस. आई शॉट विद हिम. बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है उनके साथ और जो वो सीन्स है वो इम्पोर्टेंट सीन्स है और काफी इंटेंस सीन्स है. ज्यादातर मेरे सीन्स जीशान के साथ में थे, जीशान अयूब के साथ. और वो भी बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. मैंने हमेशा ही मतलब आई ऑलवेज लाइक हिम एज एन एक्टर. आई डिडंट नो हिम बिफोर द शो. नाउ ही इज बिकम अ फ्रेंड ऑल्सो. सो दैट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इन जस्ट गोइंग बैक टू कॉलेज शूटिंग विद एक्चुअली यू नो स्टूडेंट्स. And just being a part of living that life again was also exciting. Yes. आप कृतिका आपसे जानना चाहेंगे कोई भी किरदार जब आप choose करते हो तो inspiration किस तरह से you know do you read books or do you you know watch कोई archive videos किस तरह क्या होती है आपकी inspiration? You know it depends. I mean I think it's ऑनेस्टली ना मेरा कोई ऐसा मतलब मैं अपना कोई प्रोसेस नहीं डिफाइन कर पाऊंगी. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कैरेक्टर. अगर कुछ किसी कैरेक्टर को जरूरत है उस रिसर्च की देन ऑफ कोर्स आई वुड डू अ डीप डाइव इनटू यू नो द लाइफ व्हिच वुड ओनली बी इफ अ कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन और समबडी जिसके बारे में कोई मटीरियल हो बाहर. अदरवाइज मोस्टली यू नो द इट्स लाइक द प्रेप इज ऑल यू रीडिंग थिंग्स एंड यू आर वॉचिंग थिंग्स ऑल द टाइम. So it's not actively preparing for anything and of course you are living life. So somewhere I think it's just, you know, you just have to be aware and very sensitive to what's happening around you. So wo tayari jo hai wo to hamesha hi chalti rehti hai.
तो वो कब क्या काम आ जाता है, वो उसकी ना कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, वो कह पाना बहुत डिफिकल्ट है कि इसके लिए मैंने ये किया, वो नहीं हो पाता. बट आई थिंक एक चीज जो मैं कोशिश करती हूँ, आई जस्ट ट्राई कि मैं मतलब उस मोमेंट में, उस एक्शन और कट के बीच में वहां पूरी तरह से प्रेजेंट रहूं. और अगर आप एक बार अपने कैरेक्टर को समझ जाते हैं तो फिर वो आधी चीजें यू नो आसान कर देता है. ओके, तांडव की शूटिंग कब हुई थी? वाज इट ड्यूरिंग कोविड और नो नो, इट वाज मच बिफोर. इट वाज इन 2019. वी शॉट इन मोस्टली इन अक्टूबर नवंबर, आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आल्सो. या that is how that is when it was shot. So basically it's just been, you know, we've been mum about it for more than a year and it's finally coming out. So uski bhi alag excitement hai. Yes, aapko kis tarah ka response mil raha hai friends aur family se? Bahut sare questions mil rahe hain. People want to know so much, which is always a good sign, because that feels that, I mean, it feels like they're also intrigued. I was also very intrigued when I read the first two pages about, you know, what that I had got as an audition script. तो ये अच्छा ही साइन होता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो होपफुली वो लोग देखेंगे भी. और अब तो दो ही दिन बचे हैं, तो वी आर ऑल सेट टू शेयर द शो विद एवरीबॉडी एंड आई एम वेरी नर्वस. Also, the fans are super excited. Let me also tell you that, Kritika. Social media पर हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा buzz है. Your fans are waiting. I mean, the television, film or web series, they have constantly supported you. उन fans को you know, अगर आपकी journey define करनी हो तो किस तरह से करेंगे? उन्हें अगर मेरी, तो वो तो वही बेस्ट कर पाएंगे मेरी जर्नी डिफाइन. बट आई तो जस्ट डोंट नो हाउ टू थैंक देम फॉर ऑल दिस लव दैट आई गेट. एंड यू नो, मैं तो काम भी बहुत कम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ चूजी पर्सन. मैं काफी लंबे लंबे ब्रेक्स लेती हूँ, बट मुझे वो कॉन्स्टेंट प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है. इवन फ्रॉम द फर्स्ट ग्लिम्स इन तांडव, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई हैव गॉट एंड द ट्वीट्स दैट आई एम गेटिंग और द कमेंट्स दैट आई एम गेटिंग, इट्स सो हार्टनिंग. बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक इट कीप्स यू गोइंग एज एन एक्टर ऑल्सो. समवेयर दिस वैलिडेशन, दिस लव रियली मैटर्स टू यू. सो इट्स अ गुड थिंग एंड आई होप उससे एक्सपेक्टेशंस भी आई थिंक बढ़ जाती हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रेशर फील होता है. आई वॉन्ट टू बी एबल टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस. आई होप दैट दे लाइक मी इन दिस न्यू अवतार, लाइक मी इन द सेंस दैट दे कैन कनेक्ट विद माई कैरेक्टर और दे फील यू नो वट शी इज फीलिंग. So that's why I'm saying I'm very nervous. I'm very excited to watch the show, but about my own self, I'm getting increasingly nervous now. Yes, and like you said, you know, they really want to see you more. Television की अगर बात करें, I'm sure ये सवाल आपको हर interview में पूछा गया होगा. Television में पर कब देखेंगे आपको? यार सब देख ही रहे हैं रिपीट टेलीकास्ट, तो टेलीविजन पे कहाँ से. एवरीबडी इज स्टिल वॉचिंग द शोज. आई एम स्टिल गेटिंग ट्वीट्स अबाउट आरोही, डॉक्टर निधि, अनन्या, मतलब ऑल माय कैरेक्टर्स लिटरली लाइक देयर आर डेडिकेटेड फैंस. आई वुड से हैट्स ऑफ. वो अभी तक रिपीट्स देख रहे हैं, उस पर फीडबैक दे रहे हैं, उसने ब्यूटिफुल वीडियोज बना रहे हैं, आर्ट शेयर कर रहे हैं. तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं कभी टीवी से दूर गई थी. No, but seriously, Kritika, I mean, if something comes up talking about daily soaps, so would you consider or? Yeah, I feel like I have explored that medium. I have done everything that I wanted to do there. वहाँ पे भी मुझे कुछ मेरी अपनी एक personal choice थी. उस तरह का काम मैं करना चाहती थी, जो मैंने किया. मुझे कभी कुछ regressive नहीं करना था. मैं हमेशा से थोड़ी सी I was, you know, very conscious of what is the show trying to say, what is the character trying to say, because television characters jo hai wo logon ki literally zindagi ka part ban jate hain, matlab unhe itna zyada pyar aur attachment milti hai, to ek responsibility si bhi ban jati hai, I feel. To wo main kar chuki hu, to maine wahan pe sab kuch hi explore kiya. I tried to make some very different choices when I was doing TV also. I mean, I would like to believe, but usse zyada deviate aap kar nahi sakte. Television format hi aisa hai, commitment hi aisi hai. Ab jo hai bahut sare naye avenues khul gaye hain, so I want to, for myself, for my personal growth also, I think it's important that I explore other mediums. All right. Lastly, Kritika, ek aur cheez jo fans basically se jana chahte hain, wo hai Kritika aur Karan saath kab aayenge. You know, jab aap live bhi aaye the, tab wo dekhkar bhi fans bahut zyada khush ho gaye the, and we get a lot of comments. So un fans ko kuch kehna chahenge? I have no idea. There's no plan. Everybody is really busy. That live was an impromptu thing. If it ever happens again, it will happen. But nothing planned.
All right. So any last message to all the fans out there? Just that, watch Tandav, give me your feedback, and a very, very big thank you and a very happy new year to you. I hope that 2021 is about healing, about moving on, and about just, you know, a lot of health and happiness for all of us. All right, Kritika, it was fun catching up. All the best to you. And thank you so much. Many congratulations again. Thanks a lot. Thank you. See you. Bye. See you. Bye.